देखिए, इंडिया S-400 ले रहा है, अमेरिका का ये एक लॉ है, लेजिस्लेशन है, इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा, मुझे पता ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया, एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर। अमीर जो मुझसे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें कि किसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप दो क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। आप उस आपको आप मैं हमेशा ये चीज समझता दोस्तों, हूं। इस वीडियो में आप आगे देखेंगे पाकिस्तानी मूल के साजिद तरार, जो बेसिकली अमेरिकन है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के मतलब कैंपेनर भी रहे हैं और सपोर्टर भी हैं, वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। भारत ने अभी हाल ही में, आपको पता है कि S-400 आ गए हैं और पुतिन भी आने वाले हैं, और अमेरिका के मतलब प्रेशर के बावजूद ये भारत ने डील पूरी तरह से कंप्लीट की है। और S-400 आपको पता है कि किस तरीके का एक डिफेंस सिस्टम है, जिससे कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर ये वेस्टर्न बॉर्डर पर इंस्टॉल हो जाएंगे पूरी तरीके से। और चाइना, हालांकि चाइना के पास है ये और चाइनीज़ बॉर्डर पर इंस्टॉल है, तो आप समझ सकते हो कि सेम सिचुएशन इंडिया के साथ भी होगी। तो गाइज़, आपको बता दूं कि ये जो वीडियो में बात कर रहा है पाकिस्तानी मूल का जो मतलब अमेरिकन है नागरिक, बोल रहा है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, आप समझ सकते हो किस तरीके से अमेरिका के प्रेशर के बावजूद इस डील को सक्सेसफुल किया। और ये डील, आपको बता दूं, ये डील डॉलर में नहीं हुई है। इस डील के लिए स्पेशली दूसरी करेंसी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रशिया पर लगी हैं पाबंदियां, और गोल्ड हो सकती है वो करेंसी या और भी कुछ करेंसी हो सकती है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो चलिए दोस्तों, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं और भी कुछ बात। लेकिन आज फिर वो क्यों मेहरबान हुए हैं? वो अमेरिका के इशारे पे मेहरबान हुए हैं। पिछले एक महीने में हमारे तीन फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे आए, तीन साहब यहाँ से सीधे सऊदी अरेबिया गए थे, वहां से पैसे लेकर गए, और उन्होंने कल परसों भी बयान दिया है कि हमारी IMF की सेटलमेंट हो चुकी है, हमें बड़ी जल्द पैसे मिलने वाले हैं। और यहाँ ये सोचना बिल्कुल जरूरी होगा, IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के इशारे के बगैर किसी के साथ नहीं चलते। तो आइस तो मेल्ट होना शुरू हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे जो तहफुजात हैं वो ये हैं कि आपका जो यहाँ पे जो इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी चाइना की, जो प्रोजेक्ट्स बन चुके थे, उनका फ्यूचर क्या है? और उसके बाद वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ, हमेशा आपका एक हाथ हमारी तरफ होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो उसी तरह अगर आप चाइना की जो हिमालय जैसी दोस्ती है उसके CPEC को दरम्यान में खड़ा करके, दासू डैम का प्रोजेक्ट दरम्यान में खड़ा करके, आप अगर IMF के कैंप में और अमेरिकन कैंप में आने के लिए इतने बेचैन हैं, तो फिर क्या होगा उस रीजन के अंदर? और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है, पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको वो पिछली सीटों पे बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी, और वो इतनी स्ट्रांग है कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए, मजिया ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं Washington DC में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको Washington DC में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा, आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियन से की। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझसे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें कि जिसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप दो क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। आप उस आपको आप मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर ले, लेकिन ये शायद ये नहीं हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पिछले आज की बात नहीं करूंगा मैं, ये आजकल का कंपैरिजन तो ये था, मैं बड़ा फैन हूं जावेद चौधरी साहब का, उन्होंने कंपेयर किया था कि आजकल लोग करप्शन और बेवकूफी को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं कंपेयर करता हूं करप्शन, बेवकूफी प्लस करप्शन। तो ये इसका तो जोड़ ही नहीं है, क्योंकि जो मेरे ख्याल में पिछले जो दो रजीम थी वो यहां से लंदन जाती थी फिर वापस आ जाती थी, ये वाली रजीम जो है इसमें से ज्यादातर लोग वन वे टिकट पर जाएंगे, वापस आने का सोच के नहीं जाएंगे, क्योंकि जो डॉलर के हालात आपके, और जिस तरीके से मेरी जो खबरों के हिसाब से इस वक्त जो आपके कई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, भागने के लिए तैयारियां हैं, डॉलर जो ही कहीं से मिलता है फॉरन लेके ट्रांसफर हो जाता है दुबई या लंदन। इस वक्त आपके इंटरनल प्रॉब्लम में
आपने देखा होगा पिछले जो 2 महीने से, चाहे वो ISI की अपॉइंटमेंट हो, चाहे EVM हो, चाहे TLP हो, चाहे TTP हो, चाहे NAB हो, आपने 30 साल का टाइम बता दिया लोगों को। महंगाई के हालात ये है, आपके मिनिस्टर मुसलसल कहते रहे कि हमारे तेल के कुएं नहीं है, लेकिन आपके चीनी के कुएं हैं, और आज वो वहां भी धोखा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अब आटे की भी किल्लत है, और इस वक्त जिस तरह आपने बताया राशनिंग शुरू हो जाएगी गैस पे, तो इस वक्त गरीब का बच्चा जो है इस वक्त बिल्कुल किसी तवज्जो, देखे अभी रिसेंटली जिस तरह आपने खुद फरमाया जज साहब के ऊपर, जज साहब की बात आ रही है, लोगों की बिल्कुल तवज्जो नहीं है, क्योंकि लोग मफलूज हो चुके हैं, लोगों की सोचें मफलूज हो चुकी हैं। जो 2 वक्त का खाना खाते थे वो इस वक्त 1 वक्त का खाना खा रहे हैं। तो जब पेट खाली हो तो फिर आप सियासत के बारे में नहीं सोचते, लोग सुबह की खाते हैं शाम की फिक्र में पड़ जाते हैं, लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड है। मैं यहाँ पे एक और बात कोट करना चाहूंगा कि जिस तरह गार्डियन ने अगले दिन आर्टिकल लिखा है, और तकरीबन हमारे हर एंकर ने उसको ट्रांसलेट करके बताया लोगों को कि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई दुनिया का 4th नंबर पर आपका नंबर है महंगाई के हवाले से, और उसमें कोई रिलीफ, देयर इज नो रिलीफ इन साइट। तो ये एक सख्त बड़ी बात है, महंगाई इंटरनेशनल ट्रेंड है, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है कोविड की वजह से। लेकिन मेरा इसमें गुजारिश ये होती थी कि अगर खान साहब अपना मैंडेट डिलीवर किया होता, अगर शहजादे ना पाले होते, इन्होंने इन्होंने डुअल नेशनल कैबिनेट ना बनाई होती, आज कौम के सामने खड़े होते, तो अपने पेट पे भी पत्थर होता तो लोगों ने भी पेट पे पत्थर बांध लेना था। लेकिन अगर आप अरबपति शहजादों को साथ लेके घूमेंगे 50-50 करोड़ की का फ्लीट गाड़ियों का लेकर, तो लोग किस तरह पेट पे पत्थर बांधेंगे। आज यही अलमिया है, ये सिर्फ आपका नहीं है बल्कि हर डेवलपिंग करप्ट कंट्री का यही है। मैं हमेशा आपको पहले भी बताया था कि आप हर चीज इंडिया में कंपेयर करते हैं, उनके डॉलर देख लें, उनकी GDP ग्रोथ देख लें, करप्शन में देख लें, आप 124 नंबर पर हैं और वो 86 नंबर पर हैं। तो वो भी लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है, लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल यू आर इन अ फ्री फॉल, यू आर लीडरलेस, यू आर विदाउट गाइडलाइन, आपको बिल्कुल नहीं पता आपके आखिरी जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आखिरी अपना रिटायरमेंट पैकेज IMF से लेके, तो वो उसको उस पे अपना रिटायरमेंट पैकेज बनाएंगे, ना वो कौम तक जाएगा। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि 120 अरब रुपए की सब्सिडी देना बात नहीं थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क था कि वो सब्सिडी से जनरल मैसेज किस तरह मुस्तफीद होंगे, वो एक आम आदमी तक किस तरह पहुंचेगी। सब्सिडीज तो आप पहले भी अपने शुगर माफिया को देते रहे हैं, बड़े अरसे से देते रहे हैं, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन था कि वो 120 अरब रुपए की सब्सिडी आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी, आपके दोस्तों में ही वो गुम हो जाएगी। तो आज भी यही अलमिया है। Right. सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है करप्शन, करप्शन एंड करप्शन। ठीक साजिद तार साहब, बहुत आपने कमाल की बात, एक दो बातें जो इसमें हैं, जो पॉइंट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त आपने बात की। मसलन आपने ये कहा कि चलें अगर आपको आप कोई नई चीज नहीं तो आप कम से कम कॉपी ही किसी एक अच्छी चीज की कर सकते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपने बात की कि देखिए इंडिया S-400 ले रहा है, अमरीका का ये लॉ है, लेजिस्लेशन है, इसके बावजूद उसके, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तान के मतलब ये बातें कर रहे थे कि भारत ने किस तरीके से डील किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपको भी पता है कि अमेरिका भारत जैसे देश के साथ मतलब पाबंदी नहीं लगा सकता है, ऑब्वियसली टर्की और भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है। टर्की का प्रेसिडेंट जो है उसको, आपको भी पता है कि एक नया नया इस्लामी कीड़ा काटा है, और वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने के चक्कर में भारत को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है। हाल ही में उसने ये S-400 डील पर भी सवाल उठाए थे कि भारत पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि S-400 के काउंटर में पाकिस्तान ने चाइना से मतलब S-300 की कॉपी खरीदी है। चाइना ने S-300 रशिया से लिए थे, उसकी कॉपी उन्होंने बनाई, वो चाइना खुद अपनी बॉर्डर पर वो इंस्टॉल नहीं किए हुए हैं, वो खुद S-400 इंस्टॉल किए हुए हैं, उन्होंने खरीदी है S-400 मतलब S-300 की कॉपी, और वो कह रहे हैं कि हम ये पाकिस्तानी बॉर्डर पर इंस्टॉल करेंगे। हालांकि आपको भी पता है कि हमारे पास तो रफेल है जो कि S-400 के रडार में नहीं आता, तो S-300 के रडार में कैसे आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब